सो आप सभी को मेरा नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 71 है आपके स्क्रीन पे, सबको दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बस दो लाइन मैं बोलूँगी अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, जिनको अभी भी लगता है कि अभी बहुत पढ़ाई नहीं हो पाई है, अरे हमारा कोर्स कैसे कंप्लीट होगा। रुक के जाना नहीं ओ कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक के जाना नहीं तू कभी हार के। तो हमें क्या करना है, हमें रुकना ही नहीं है, हमें रिवीजन करना है, पढ़ना है, और तब तक नहीं रुकना है जब तक हमारा पूरा सिलेबस ऐसे दिमाग में छपना जाए, जब तक वो तैयार ना हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 बहुत इजी है। क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन कहता है द ऑटोट्रॉप्स, मतलब ग्रीन प्लांट्स जो कि अपना फूड खुद बना सकते हैं, उनको क्या जरूरत है, उनको क्या क्या स्टफ मटेरियल, रॉ मटेरियल चाहिए ताकि वो अपना फूड बना सकें। CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, सही बात है। क्लोरोफिल चाहिए, सही बात है। सनलाइट चाहिए, सही बात, सही बात, सही बात, सही बात। तो सारी सही बातों के हम लिए चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज, दैट इज ऑल। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 इज वॉट, द ब्रेक डाउन ऑफ पाइरवेट इन टू CO2 एनर्जी एंड वॉटर टेक्स प्लेस इन। अब फिर से मैं बनाऊंगी फ्लो चार्ट। पाइरवेट है, ब्रेक डाउन कर रहा है, तो सबसे पहले हमारे पास होगा ग्लूकोज C6H12O6, यही ब्रेक करता है पहले पाइरवेट में, जो कि होता है एक एनएरोबिक प्रोसेस, लैक ऑफ ऑक्सीजन, और ये होता है साइटोप्लाज्म में। अब यहां से डिसाइड होता है पाइरवेट की आगे की किस्मत, उसको ऑक्सीजन मिलेगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो जैसी स्थिति होगी उस हिसाब से उसका साइकिल चलेगा। अब क्वेश्चन तो पूछ लिया, द ब्रेक डाउन ऑफ पाइरवेट इन CO2 एनर्जी एंड वाटर टेक्स प्लेस इन, तो इसमें होगा क्या, जब ये पाइरवेट को मिल जाएगा ऑक्सीजन तो ये सीधा भाग जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अब माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल है, यहाँ पे जैसे ये भागेगा तो यहाँ पे एक साइकिल करेगा, दैट इज नोन एज क्रेब्स साइकिल। अब देखो क्या होगा बच्चा पार्टी, अब पाइरवेट प्लस ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में भाग गया, तो कुछ करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे फालतू का किसी को नहीं रखेगा, उसको चाहिए किराया, और उसको रेंट के रूप में क्या चाहिए, उसको चाहिए एनर्जी, एनर्जी। तो देखो पाइरवेट ब्रेक डाउन इंटू CO2 एनर्जी एंड वाटर टेक्स प्लेस इन, तो ये पाइरवेट तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट जाएगा, CO2 में टूटेगा, प्लस एनर्जी भी उसको देगा 3883, प्लस वाटर भी रिलीज करेगा, तो कहाँ होगा, पावर हाउस, पावर हाउस, पावर हाउस, पावर हाउस, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दैट इज द रीजन माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 73। व्हेन एयर इज ब्लोन थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की बिकॉज, फिर से एक रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन, जो कि है डायरेक्ट NCERT से। क्वेश्चन पूछता है कि कहीं पे लाइम वाटर रखा है और आप उसमें इनहेल नहीं करना है, इनहेल नहीं करना है, क्या करना है, एक्सहेल, एक्सहेल में आप कौन सी गैस रिलीज करते हो, यही तो है आंसर। देखो कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज आउट करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड के ही प्रेजेंस में जो लाइम वाटर होता है वो हो जाता है मिल्की। ये है एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रॉम NCERT, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, जो छूट भी जाएगा ना वो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, तो वीडियो देख लो। राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज इन्वॉल्व्ड इन इनहलेशन। अब पूछ लिया पैसेज, ये जो क्वेश्चन है ये आ गया टोटल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, कैसा है, टोटली डायग्राम बेस्ड है। तो पहले एकदम याद करो, देखो पहले क्या होगा, यहां पे जाएगा सबसे पहले नोस्ट्रिल, नेजल पैसेज, अच्छा चलो लेरिंग्स, नन तो होगा ही नहीं, खैर नन नहीं होगा, तो लेरिंग्स से तो शुरुआत कभी नहीं होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो ऑप्शन नंबर ए भी गेट लॉस्ट। ऑप्शन नंबर बी नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, एल्वियोलाई। नेजल पैसेज, लेरिंग्स, ट्रेकिया,
फेयरिंग, ये तो उल्टा हो गया, ये तो स्यापा हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी भी गया. तो बेस्ट आंसर इज, बेस्ट करेक्ट सीक्वेंस इज नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, एल्वियोलाई. ठीक, बोलो डन 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 डन. क्वेश्चन नंबर 75. सब क्वेश्चन लाइफ प्रोसेस से है. रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन, अब पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम दिमाग में ऐसे फीड है, उसको ऐसे करके अपनी एनर्जी यूज करो और ऐसे जग 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 करके देखो कि एक्चुअल में रियल में एक्सचेंज ऑफ गैस हो कहां रहा है. ये सब है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट. मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही हूं, चारों ऑप्शन कंफ्यूजिंग है क्योंकि चारों ऑप्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम के है, बट आपको चूज करना है रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता कहां है, टेक्स प्लेस इन. तो देखो, ट्रेकिया एंड लैरिंग्स में नहीं, ये पाथवे है. एल्वियोलाई ऑफ लंग, ये होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन. एल्वियोलाई एंड थ्रोट, इसमें एल्वियोलाई है बट थ्रोट दे दिया साथ में, तो ये भी गलत हो गया. थ्रोट एंड लेरिंग्स, ये भी गलत. तो एक्चुअली जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसे बनाओगे, ऐसे करके ऐसे लंग्स बना दिया, ये ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ऐसे ऐसे ब्रोंकियोल्स, और लास्ट में आपको छोटा 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 ऐसे गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर होगा, वही उसी में ब्लड होगा. तो जो ब्लड होगा वो बाकी बॉडी पार्ट से CO2 लाएगा, और नोज तो O2 ला ही रहा है, तो एल्वियोलाई बेसिकली करेगा क्या डिफ्यूजन के प्रोसेस से, कि O2 को ले लेगा, दे देगा ब्लड को, ताकि तुम ले जाओ सारे बॉडी पार्ट पे, और जो सारे बॉडी पार्ट से ब्लड आया उससे CO2 ले लेगा और उसको नोज के पास भेज देगा. तो एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 इज एक्चुअली डन बाय द रेस्पिरेटरी एंड फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज एल्वियोलाई. गुब्बारे जैसा होगा, गोल गोल. इजी पीजी. वॉट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन. हार्ट है मेरे पास, आपके पास भी हार्ट है, सबका हार्ट बीट कर रहा है, दिल धक 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 कर रहा है. अब इसमें बात ये हो रही है कि जो हार्ट है ना, वो ब्लड को पंप कर रहा है. हार्ट को ब्लड देना है सारे सेल्स को, उसकी जिम्मेदारी है. तो मान लो हार्ट ने ब्लड दिया, सपोज मैंने ऐसे बना दिया हार्ट, वैसे ऐसा होता नहीं है हार्ट, इसलिए मैं बनाऊंगी रियल, ऐसे थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप का हार्ट हो गया. अब इस हार्ट का काम है सारे बॉडी पार्ट को ब्लड देना है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है. वहां पे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज होंगे. अब ब्लड तो जा रहा है, लेकिन क्या पता कहीं ब्लड वापस ना आ जाए, ऐसे 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 चलते चलते कहीं ऐसे ऐसे ना आ जाए, ऐसे 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 जाते जाते कहीं ऐसे ऐसे ना आ जाए. तो इसके लिए कौन है जो कि ऐसे प्रिवेंट करेगा, जैसे सपोज ऐसे ब्लड आगे जा रहा है और जैसे वो पीछे की तरफ आए उसको धक्का लगेगा कि नहीं नहीं तुम आगे चलो, तुमको पीछे नहीं आना है. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये होना चाहिए, नहीं तो ब्लड जो होगा वो भाग भाग के वापस हार्ट के पास आएगा. सो बेस्ट ऑप्शन है वॉल्स. जो हार्ट होते हैं उनके पास वॉल्स होते हैं. वो वॉल्स क्या करते हैं मुझे बता देती हूँ. ये ऐसे वो है ब्लड वेसल्स, तो ये हो गया वॉल्स, ये देखो ऐसे ऐसे. तो जैसे एक बार ब्लड आगे बढ़ा, बस ये वॉल्व हो जाएगा बंद, ताकि ये पीछे जाना चाहे तो ये खुलेगा नहीं. सिमिलरली और आगे बढ़ा ब्लड, तो ये वाला भी वॉल्व हो जाएगा बंद, ताकि ये जब ब्लड पीछे आना चाहे तो ये वॉल्व ऐसे बंद है तो खुलेगा नहीं. ठीक, तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 77. ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज ऑफ ह्यूमन, पाइरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इंटू लैक्टिक एसिड इन. अब डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया में तो तब जाता ना जब वो ATP बनाता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से फालतू का किसी को नहीं रखेगा. जब तक ATP दोगे तब आओ, नहीं देना है तो मत आओ. तो जब ऑक्सीजन ही नहीं है पाइरुवेट के पास, तो कैसे जाएगा क्रेब्स साइकिल में, माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे जाएगा, नहीं जा पाएगा. तो वो वहीं पे साइटोप्लाज्म में ही रह के क्या करेगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट, लेंथ ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल. सब बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे. व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल का पूरा लेंथ कितना होगा, माउथ से लेके एनस तक होगा. एनस नीचे होगा इसलिए मैं नीचे की तरफ इशारा कर रही हूँ, माउथ आपका यहीं पे है. तो वो टोटल लेंथ होता है 9 मीटर, ये बुक में दिया है, और आपको 30 फीट भी होता है.
अगर दूसरी यूनिट में पूछा तो मे बी क्वेश्चन दूसरी यूनिट में पूछ ले, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है. तो 9 मीटर 30 फीट दोनों ऑप्शन सही है. जहां पे भी जो ऑप्शन दिखे ऐसे करके टिक मार देना है. ठीक, चलो अब नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 79. ये सब बहुत डेंजर क्वेश्चन लग रहे हैं, इतने ज्यादा लिखे हैं, घबराना नहीं ऐसे. हाँ, सांस लो सांस छोड़ो, डीप ब्रीद इन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन. सही बात पकड़नी, हम गलत बात बिल्कुल नहीं करेंगे. हम गंदी बात, गलत बात, गंदी बात मतलब अगर हमारा आंसर गलत हो गया तो गंदी बात हो जाएगी ना, तो हम गलत बात नहीं करेंगे, हम सही बात करेंगे. तो इसमें से सही बात है कौन सी? इनहेलेशन के समय, इनहेलेशन के टाइम रिप्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रेज्ड. मैं तो इनहेल कर रही हूं तो मेरे रिप्स तो मुझे लग रहा है बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत. इन द एल्वियोलाई, ये गलत बात है, इसको नहीं करेंगे हम. इन द एल्वियोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, दैट इज ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलर एयर डिफ्यूजेस इनटू ब्लड एंड CO2 फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वियोलर एयर सैक्स. सही बात, ये एल्वियोलाई है. ये एल्वियोलाई को क्या करना है, ये ऑक्सीजन लेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम से और दे देगा ब्लड को, और ब्लड जो CO2 लेके आ रहा है बाकी सेल से उसको ले जाके दे देगा नोज को, ताकि इसको बाहर कर दो. तो ये एकदम सही बात बोल रहा है. आई विल स्माइल एंड आई विल गिव 1 thumbs up. ऑप्शन नंबर सी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन ट्रेकिया. नहीं भाई, ये तो एल्वियोलाई में होगा. फिर से गलत बात. ऑप्शन डी, एल्वियोलाई डजेंट हेल्प इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ये क्या हो रहा है, डज नॉट कैसे हो गया, एल्वियोलाई ही तो करेगा. एल्वियोलाई ही तो मेन सोल है, मेन हीरो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने का, इसीलिए हम इसको रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं. तो गलत बात. तो इसमें जिसने सही बात की है वो है ऑप्शन नंबर डी. इसी से मिलता जुलता लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी. ओ, यहाँ तो मेरी फोटो आ गई है. अब क्या करेंगे, चलो देखते हैं. चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब आर्टरी. हमें इस बार भी सही बात करनी है, गलत बात को गेट लॉस्ट. दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट. गलत बात, आर्टरी कभी भी ब्लड को बैक टू द हार्ट नहीं लाएगा, वो हमेशा हार्ट से ले जाएगा. अगर मैं यहाँ पे हार्ट बना दूं तो यहाँ से अगर ब्लड जा रहा है, एरो पे ध्यान दो, इधर से जाना है और इधर से कहते हैं आना, तो जा रहा है तो वो आर्टरी करेगा, लाना है तो वेन्स का काम है. अब इसी डायग्राम को ध्यान से देखो, अभी आंसर मिल जाएगा. पहला तो गया, गलत हो गया. अब यहाँ दूसरा क्या बता रहा, आर्टरी हैव थिन वॉल. लो भाई, यहीं पे गलत. आर्टरी हमेशा थिक वॉल होगा, क्योंकि इसमें ब्लड इतने प्रेशर में जाता है कि अगर थिन रहेगा तो फट जाएगा और हम मर जाएंगे, हमारी नसें फट जाएंगी. तो गलत बात. दे हैव थिक इलास्टिक वॉल, इतना तक तो सही बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी. अब देखते हैं आगे, ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर. नहीं, आर्टरी में ब्लड हमेशा हाई प्रेशर में जाएगा. कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस, इतनी भी बात सही है, बट बीच में ये लो प्रेशर डाल के ना इसने बात बिगाड़ दी है. इनको भी हम नहीं चूज कर सकते, गलत बात हो गई. ऑप्शन डी, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स विदाउट वॉल्स इनसाइड, द ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर. देखो जो चीज छुप गई है उसको मैं पढ़ रही हूं क्योंकि मुझे याद है. दे हैव थिक इलास्टिक वॉल, ये बात सही, सही बात, सही बात, सही बात. विदाउट वॉल्स इनसाइड, इसमें वॉल्व नहीं होगा. ओके, सो ये जो है क्वेश्चन बोल रहा है कि दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स और इसमें विदाउट वॉल्स इनसाइड, इनसाइड वॉल्व नहीं होंगे क्योंकि इनको वॉल्व की जरूरत ही नहीं है. ब्लड इतना हाई प्रेशर में फ्लो करेगा कि वॉल्व की जरूरत नहीं है. वॉल्व की जरूरत होती है वेन्स में. अब यहाँ द ब्लड छुप गया है, लेटर वर्ड द ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, ये भी बात सही. एंड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये जो छुप गई है बात उसको मैं यहाँ पे लिखूंगी. देखो लिख नहीं रहा है यहाँ पे, फ्रॉम द हार्ट, ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो हमारा हार्ट है, हार्ट से ब्लड जो है जाना है, आर्टरीज उसको लेके जा रही हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लेके जा रही हैं. वो जो आर्टरी है वो थिक है, उसमें ब्लड हाई प्रेशर में फ्लो कर रहा है और उसमें वॉल्व नहीं है क्योंकि जरूरत ही नहीं है. तो ऐसे हंसते खेलते गाते हमने क्या कर लिया, हमने कर लिया 80 क्वेश्चन. इस वीडियो को सबको देखना है,
लाइक करना है, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ एक बात और आपको करना है कि सबसे ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना है, क्योंकि इतना इतना ज़्यादा हमने कर लिया, अभी से ज़्यादा कुछ आ नहीं सकता है, और आएगा भी तो कॉन्सेप्ट यही है, फैक्ट यही है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज रहेगा, जो कि हम कर ही रहे हैं। तो एवरीबडी बाय बाय, टेक केयर।